when I try to understand what is a constitution, what is a genetic constitution, ke her remedy or her constitution, her aadmi alag 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 hai, aur jab uske upar main aur gaur karta gaya, to mujhe ye काफी एक सिमिलरिटी मुझे दिखाई दी कि आदमी और जानवर और आदमी और प्लांट्स इनमें एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है क्योंकि हर एक आदमी की सेल और प्लांट्स की सेल और एनिमल्स की सेल एक ही होती है बाद में उसका कुछ क्वालिफिकेशन होते 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 उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है वो बात अलग है लेकिन बेसिक सेल तो एक ही है फिर भी ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ नॉर्दर्न नॉर्थ पोल पे आते हैं या टुंड्रा रीजन में आते हैं या ठंडी हवा में या ठंडी में ही आते हैं जैसे मैं जब इनके साथ महावीर के साथ मैं शिमला पहुंचा शिमला से आगे गया वहां हमने देखे चैल पे खास करके रास्ते में गुलाब और हम लोग गाड़ी रुका के देखते थे अरे ये गुलाब आह ब्यूटीफुल है रोज के फूल जंगल में आ रहे हैं रास्ते पे आ रहे हैं कोई उसको देखने वाला नहीं है और फिर भी वहां ग्रो हो रहे हैं जबकि ये हमको क्यों ताज्जुब हो गया क्योंकि हम मुंबई में नर्सरी से गुलाब लेके आते हैं घर में लगाते हैं और उसको इतनी खातिर उसके करते हैं और उसके लिए बुक पढ़ते हैं कि इसको क्या मैन्योर देना चाहिए उसका क्या इंसेक्टिसाइड होना चाहिए और ऐसे करते 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 फिर थोड़े दिन के बाद में गुलाब मर जाते हैं तो हम ऐसे क्यों ये गुलाब जो हमारे बंबई में इतना कीमती है कहीं दिखता नहीं है कहीं उसको इजीली ग्रो नहीं कर पाता यहां जंगल में मंगल कर रहा है ऐसे कैसे इसका मतलब गुलाब के लिए वो ठंडा एटमॉस्फेयर या तो वो क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट इज बेस्ट सूटेड एंड ऑप्टिमम फॉर इट्स नेचुरल ग्रोथ और व्हेन इट इज शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू अ हॉट प्लेस लाइक बॉम्बे अ ह्यूमिड प्लेस लाइक बॉम्बे वहां तो खत्म इट कैन नॉट सर्वाइव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस द मीनिंग इज दैट देयर आर सर्टन प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो वेल जब उसको उसकी ठंडक अच्छी जो चाहिए वो ऑप्टिमम वेदर मिलेगी तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका विकास होता है जबकि ऐसे भी कुछ प्लांट्स है जैसे कैक्टस है जो हमारे जो इक्वेटर पे आते हैं जहां पानी नहीं है जहां बहुत धूप है वहां आते हैं लेकिन वही तुम कैक्टस जाके जाओ शिमला पे लगाओ बहुत मुश्किल है टिकना फिर क्यों ऐसे क्यों होता है अगर प्लांट्स में भी ये भेदभाव है इसका मतलब देर इज समथिंग बेसिकली जेनेटिक फ्रॉम विद इन दैट सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन थ्राइव इन कोल्डर क्लाइमेट सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन थ्राइव इन वार्मर क्लाइमेट दोज grow in warm climate or those who want equator like warm hot climate तो हम उसको क्या कहेंगे हॉट या चिली एक ही आवाज आ रही है चिली